नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर महाना मंडी में है और आज 18 अप्रैल 2024 हो चुका है। गुलशन ओनियन कंपनी गुलशन भाई के पास है। प्याज में क्या बाजार देखने को मिल रहा है, देसी प्याज क्या भाव बिक रहा है, शिक्कर वाला चामन मखानिया और नासिक की क्या पोजिशन रही, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं आज का अपडेट। गुजरात वाला भी प्याज अभी थोड़ा बहुत स्टॉक वाला नजर आ रहा है, एक दो गाड़ियां देखने को मिल रही है। कैसे हो सर? बढ़िया यादव जी। तो सर आज क्या बाजार देखने को मिल रहा है प्याज में? प्याज की बाजार भाजा देखो, पूना लाइन के माल है 17-18 रुपए। अच्छा जी सर। और जयपुर वाली पीली पत्ती लोकल जो आ रही है वो प्याज बिक रही है, समझ लो 12 रुपए किलो से 16 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा। और सर सिक्कर वाला? सिक्कर वाला 10-12 रुपए किलो, कुचामन वाला 12 रुपए से 15-16 रुपए किलो, मथानिया भी 15-16 रुपए किलो। और गुजरात वाला क्या पोजीशन रहा? गुजरात वाला 17-18 रुपए किलो। अच्छा जी सर। बात करें अगर आवक के तो आज कितनी आवक होगी सर? आवक बाहर की गाड़ी 10-12 मान लो सब मिला के। अच्छा, बाकी तो लोकल है, लोकल तो वही 100 साधन हो जाते हैं, लाल के पीली के मिला के बाजार। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राहकी कैसी सर आज? ग्राहकी स्लो है भाई साहब, ग्राहकी स्लो है, बहुत ठंडी ग्राहकी है। और कल और भी ऐसा ही माहौल बनेगा? देखो जो भी माहौल रहेगा सबके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सर, प्रभु की इच्छा। बिल्कुल। तो सर कल और आज में कुछ तेजी का या मंदी का माहौल है? देखो बाजार जो लोकल माल है ना इनमें 1 रुपया स्लो है बाजार। अच्छा जी। हाँ, और दिनों से 1 रुपया मंदी है बाजार। बिल्कुल। लोकल मालों में जो पीली पत्ती जयपुर वाली, बाकी प्याज तो फिर भी वही भाव रुके हुए है। सर गुजरात के आज लोकल प्याज में क्या है, थोड़ा गर्मी कम पड़ी है इस वजह से उठाव कम है जयपुर वाले। अच्छा, जो लोकल पीली पत्ती आते हैं खास तौर से उसमें उसके उठाव कम है, रेट तो जबरदस्ती वहीं तक रुका हुआ है लेकिन उठाव माल कटिंग नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गुजरात वाले कितनी गाड़ी? गुजरात वाला भी आज कम है माल, 2-3 गाड़ी है बाजार। अच्छा जी, अच्छा। आ रहा है अभी धीरे धीरे, ये भी थोड़ा आ रहा है, ऐसे तो एक आधी गाड़ी, ऐसे तो कोई सुपर लाट 20 रुपए का भी बिक जाता है। बिल्कुल। कल ही बिका था मेरे पास एक लाट, परसों 20 रुपए का सुपर तो बिक जाता है, बाकी जनरल माल 17-18 बिक रहे और हल्के ब्याज गुजरात के भी 12-13-14-15 सब भाव बिक रहे। बिल्कुल। तो सर स्टॉक वाला जो प्याज है वो आना शुरू हो गया? नहीं नहीं अभी नहीं आएगा स्टॉक का प्याज, अभी क्या, अभी तो स्टॉक लगेगा, अभी कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जैसे कुछ मार्केट में भी आ जाए, कुछ स्टॉक में भी? नहीं 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 नहीं, मार्केट में तो स्टॉक करने लायक माल तो लोग बाग वहीं लेंगे, वहीं से स्टॉक लग जाता है, मार्केटों में कम आता है, निकला भी नहीं है सर खेतों में, माल अभी कम आएगा, जब वो गोडाउन फुल होंगे और फिर भी माल स्टॉक करने लायक बचेगा तो बाहर आएगा माल। अब जैसे अपना शिक्कर वाला है उसमें तो स्टॉक करने की मेरे हिसाब से वो है ही नहीं, वहाँ भी रखते हैं किसान लोग, रखते हैं ऐसी बात नहीं, जो मजबूत किसान है वो रखते ही है, बाहर तक भी बेचते हैं लोग, स्टॉक में भी रखते हैं थोड़ा बहुत रखते हैं। तो क्या कुछ डाउन देखने का चांस बन रहे हैं? नहीं, नहीं, डाउन कोई नहीं होगी इस साल, प्याज डाउन की तरफ है ही नहीं। अच्छा जी। बिक्री अभी जरूर स्लो है बाजार, बाद में बिक्रियां खुल जाएंगी, मौसम गर्म होगा प्याज की बिक्री बढ़ेगी भी सही, लेकिन इस साल रेट कम नहीं होगा, क्यों प्याज की सब्जी के फसल भी 20-25% फसल कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंदी नहीं आएगी और स्टॉक भी पूरे महंगे भाव स्टॉक हो रहा है अभी, जो भी महाराष्ट्र में स्टॉक हो रहा है 15-17 रुपए का माल जा रहा है स्टॉक में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाजार कम कैसे खुलेगी? बिल्कुल, माल भी कम रहेगा इस बार। बहुत बढ़िया सर। तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर है 98-293-77-352, दूसरा नंबर है 94-140-57-352, गुलशन ओनियन कंपनी A12 माना मंडी जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो ये था आज का ताज़ा अपडेट। पीली पत्ती की जो मात्रा है, गाड़ियों की संख्या है, जो ट्रॉलियों की संख्या है, वो ज़्यादातर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बाजार भी 13 रुपये से 16 रुपये का देखने को मिल रहा है। क्वालिटी आप देख सकते हैं।